नमस्कार, मैं यामिनी दुबे, स्वागत है आपका glitz.in में। आरक्षण और उसकी नीतियों के पक्ष में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी में कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना देकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। आरक्षण और उसकी नीतियों के पक्ष में कांग्रेस ने राजधानी में एक दिवसीय धरना दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आरक्षण के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की नीतियां लागू रहनी चाहिए, जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण के माध्यम से मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास है। भाजपा और संघ इस देश में भटकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की जीवन स्थिति ठीक करने की जगह नया मुद्दा आरक्षण का छेड़ा गया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर आज एक दिवसीय धरना यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा रखा गया है आरक्षण के समर्थन में, कि आरक्षण की नीतियाँ लागू रहनी चाहिए और जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको आरक्षण के माध्यम से एक स्थिति में लाकर उनको मजबूती से रखा जा सके, आज यहाँ पर धरने के माध्यम से उस प्रदर्शन में किया जा रहा है कि आरक्षण लागू रहना चाहिए और आरक्षण नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे धरना खत्म होने के बाद, और धरना 1 बजे समाप्त होगा। देखिए क्या है, भाजपा और संघ इस देश में केवल भटकाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप ये महसूस करते हैं, जनता ये महसूस करती है कि पिछले 6 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर इस देश पर बैठे हैं, जनता ने उन्हें क्लियर मैंडेट दिया है कि देश के विकास के लिए काम करें, उनको क्लियर मैंडेट दिया है कि गरीबी लोगों को ऊपर लाएं, महंगाई कम करें, यहाँ पर जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाएं, उसको मजबूत करें। ये केवल पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, CAA और 3 तलाक, राम मंदिर, इन मुद्दों को लेकर 6 साल से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और ये एक नया मुद्दा आरक्षण का छेड़ा है इन लोगों ने। देश की जनता शांति चाहती है, भारत एक शांति प्रिय देश है, सौहार्दपूर्ण रहते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर लोगों का जीवन यापन करने की स्थिति ठीक करनी चाहिए, उसको ठीक ना करते हुए इन्होंने ध्यान भटकाने का काम किया है। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। For more information, log on to www.glitz.in.